मोटे को आगे क्यों बिठा लिया? ए! अबे ब्लू शर्ट! अरे यार, अबे बेरा क्या? ये गला क्यों फाड़ा? क्योंकि वो खुद फटने वाला है। अभी थोड़ा तू चिल्ला। नहीं भाई, माइक लेकर आता तो अच्छा होता। अबे सुन, सुन साले, ए भूतनी के, सुना है तेरे पास धमकियों का स्टॉक है? आजकल सबको देता फिर रहा है। सही सुना? मुझे देखे दिखा, देखता हूँ तेरी धमकी। इधर पासा, कुछ दे दे, कोड़ा खा ले तो झापड़ भी खा ले, निकल यहाँ से। तेरे सामने जो आदमी है वो तो सिर्फ सैंपल है, पीछे देख पूरी फौज खड़ी है। ये लोग कौन है? जो क्या था? कमाल है, जोकर खुद हंस रहा है। जोकर बोला मेरे को, ओपनिंग कर बिल्लो, सेंचुरी मार के आना। शॉट में बैट्समैन को ही बाउंड्री से बाहर कर दिया। बिरजू की टीम तो कई काम से। जबरदस्ती क्या? छू कर देगा? हमारे परिवार में औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। क्या है ये सब? इतने लोगों के सामने अच्छा लगता है क्या? मंदिर पूजा करने के लिए जाता है, मारपीट करने के लिए नहीं। लल्लन के साथ पहले ही हमारा झगड़ा चल रहा है, अब बिरजू के साथ भी ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, इसने उन्हें बहुत मारा, धो डाला। पूजा,
पर शुरुआत उन्होंने की थी। क्या ये बच्चा है जो उनके उकसाने पर इसने लड़ाई शुरू कर दी? तुम अब क्या सोच रहे हो? तुम्हें डांट रहा हूँ तो फिर से भाग जाओगे यहाँ से? टांगे तोड़ कर रख दूंगा तुम्हारी। ए, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो तुम? खाना खा लो। मुझे दो। तुम्हें चोट लगी है? कुछ नहीं, मामूली खरोंच है। चोट लगी है और कह रहे हो कि खरोंच लगी है? मैं खिला देती हूँ, मसालों से जलन होगी तुम्हें। मैं खिला रही हूँ ना। इससे कहूँ खिलाने के लिए, शादी के बाद यही तुम्हें खिलाने वाली है। अभी चुपचाप मेरे हाथ से खा लो तुम। पूजा, इसमें घी डाला है ना? हाँ। ये खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तुम्हें पसंद आएगा। ये आंसू कैसे बेटा? बाबूजी की बात बुरी लगी? नहीं। माँ के हाथ से खा के बचपन याद आ गया? माँ की इतनी याद आ रही थी तो मुझे छोड़ के गया ही क्यों? पता नहीं था कि माँ इतना प्यार करती है। मैं तो माँ से दूर जाता ही नहीं। खा लो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट कर लो। मगर तेरा तो फेसबुक अकाउंट ही नहीं है। अरे बैंक में अकाउंट है ना। फिर झूठ बोला ना। अरे इतना प्यार करती है तो उसे एक SMS क्यों नहीं कर देती? क्या करूं यार, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। उसका नंबर मुझे दे दे, मैं ट्राई करती हूँ। डोरे अपनी सुई में डाल, मेरे वाले पे नहीं। मेरी बात सुन, थोड़ा अपनी फेस को कलर मार। समझ गई, मेकअप करना पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ा जीन्स वीन्स पहन। ये पकड़ो। सर 50 रुपए और दो ना, खाली जाना पड़ेगा यहाँ से। खाली क्यों जाना पड़ेगा, 10 दिन रुक जाओ, साथ में चलते बात करते हैं। पापा, मेरे लिए ट्रेन लाए ना? लाए हो ना बेटा, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, जाके ले ले। ये। आ गए आप, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, इसकी तरह डायबिटीज नहीं मुझे। आप तो शनिवार को आने वाले थे ना, आज कैसे आ गए? बैग ला, स्टेशन पे रात गुजार के कल ही आऊंगा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बस का मारती है। गुस्सा मत होइए, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। नहाने को कुएं पर तौलिया निकाल कर रख दो। एक काम करो, कुएं में मुझे धक्का भी मार देना और शाम को मेरी लाश निकाल लेना। शुभ शुभ बोलिए, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करूं? ससुर की इतनी गाड़ियां होते हुए एक गाड़ी स्टेशन नहीं भेजी। पर आप तो कल। चुप कर, जुबान लड़ाती है। पर मैं तो घोड़ी जैसी हो गई लेकिन अकल नहीं आई। आ गए। अरे बाबूजी नमस्ते। कब आए? अब भी आए बाबूजी। कह देते स्टेशन कार भिजवा देता। कार की क्या जरूरत है, पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया है। कहीं जा रहे बाबूजी आप? खेत की तरफ। घर में इतने नौकर है, फिर आप क्यों जा रहे हैं? जाना पड़ता है। एक मिनट, आशीर्वाद तो देते जाइए बाबूजी। हमारे बाबूजी कितने महान इंसान हैं। कहाँ खो गई है? किसके ख्यालों में डूबी है? आपके। तुझे देख के ही मुझे गुस्सा आता है। ये क्या, आते ही लड़ना शुरू? मुझ पर इल्जाम मत लगाइए भाई साहब। आपको क्या लगता है कि आते ही बीबी को डांटना शुरू कर दूंगा? पानी वानी पी के फिर डांटा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मेरी बात छोड़िए, सुना है पारस आ गया? हाँ, तुम्हारी तरह वो भी आ गया। क्या उसमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है? दामाद तो हवा का झोंका होता है, आता है और जाता है, पर पोता पेड़ की तरह होता है, एक ही जगह टिक जाता है। अरे अंकल, आप कब आए? अब भी आए बेटा। कब तक रहने का प्लान है? गर्मियों का मौसम है, सिर्फ 4 महीने रहूंगा। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाया। वैसे निकम्मा दमल करता क्या है? मेरा मतलब है कि आओ आओ। जीजा जी, ये पारस है। ये ताल का झाड़ पारस? ये भाग गया, उसके बाद तुम्हारी शादी हुई थी। और जल्दी भागा होता तो और जल्दी शादी होती है। कहाँ तक पढ़ाई की तुमने? अगर पढ़ाई के टाइम पे इतना सोचा होता तो कोई डिग्री मिल गई होती। तुम जैसे नौजवानों के लिए पढ़ाई बस एक मजाक है। नॉलेज इज डिवाइन, मतलब नॉलेज एक वाइन की तरह होती है, जितना ज्यादा पियोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। चुप क्यों खड़े हो, इंग्लिश नहीं आती है क्या? डिवाइन का मतलब वाइन या विस्की नहीं होता, उसका मतलब होता है पवित्र। ओहो, इसका ये मतलब कब से हो गया? ट्यूशन ले लो इससे। चलो। कहाँ ले जा रही हो? बताती हूँ ना, चलो। ये लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं। एक आंख मार दो, ये सारे घायल हो जाएंगे। आंख मारी इसलिए तो पीछे पड़ गए। इनमें से कोई पसंद है क्या तुम्हें?
तो फिर आग क्यों मारी? ये जानने के लिए कि कोई मुझे पसंद करता है या नहीं। एक तो मुझसे शादी करने को भी तैयार हो गया। Congratulations. अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? उस दिन कितने लोगों को मारा था तुमने, अब मारो इन्हें। पर मैं तो इन्हें जानता तक नहीं हूँ। जो सिगरेट पी रहा है ना वो जग्गू है, उसके बगल में चमन चोटी और वो मोटा सा है ना बब्बू। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब पता चल गया ना कि वो कौन है, जाओ मारो। ऐसे कैसे मारूं उन्हें? तुम्हें उन्हें ऐसे मारने की जरूरत नहीं, मैं इस काम के लिए तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगी। 150 चलेंगे। ये आपकी कॉफी। प्लेट कहाँ है? दूसरी पी रहा हूँ, तो नहीं दोगी? अगर तीसरी बार पियोगे तो कॉफी लाके सीधा मेरे हाथ में डाल दोगी? अब कहाँ चल रही? प्लेट लाने। तब तक इस कप का क्या करूँ? जब तक तुम आओगी तब तक स्टैचू बनकर चौराहे पे खड़ा रहूँ? मुझे दीजिए। डांट क्यों रही है? मैं? तो क्या मैं डांट रहा हूँ? नॉनसेंस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? लाइए मुझे दीजिए। आपकी कॉफी, साथ में प्लेट भी है। कप प्लेट कॉफी दे दिया तो क्या सब काम हो गया? कॉफी गरम कौन करेगा? हाँ, मैं अभी गरम करके लाती हूँ। स्क्रू ढीला है क्या? हाँ। मेरा टीयू। जॉगिंग पे जा रहा हूँ। इस पेस से बढ़िया झाग आ रहा है, हमारे गांव में ऐसा पेस क्यों नहीं मिलता? मिलता है ना, तुम्हें पेस की जगह शेविंग क्रीम मांगनी होगी। क्या चल रहा है बच्चों? इसके नीचे बॉल फंस गया है। जरा जाओ ले लो। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मसल्स को हाथ लगाओ, कैसा लगा? कड़क है एकदम। टच इट। स्कूल के टेबल की तरह हार्ड है। घुसे मारो, टेंशन मत लो, मारो ना जोर से। अब तुम अंकल मेरा हाथ टूट गया। क्या? हाँ। तुम भी मारोगे? मारो। अरे नहीं अंकल। कम ऑन, बिट लिया। नहीं 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 अंकल। मैं उसे नहीं मार रहा हूँ, मैं उसे मारने के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। कम ऑन। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूँ। नहीं मार सकता। क्यों? शर्म आ रही है, डर लग रहा है या मेरी इज्जत कर रहे हो? तीनों, शर्माते हुए डर कर इज्जत कर रहा। पारस, तुम शहर के लड़के भी ना, लड़कियों जैसे नाजुक होते हो। तुम्हारी उम्र में मैं घुसा मार के दीवार तोड़ देता था। एक बार उसकी इच्छा पूरी कर दो पारस, वरना जान खा जाएगा। कमाल, मारो मुझे। प्रॉब्लम क्या है? दया दिखा रहे मुझ पे? ये शरीर एक पत्थर है। हिट मी हार्ड यार, कम ऑन, कम ऑन यार, कम ऑन, मारो मुझे। कहाँ चल दिए? सोच क्या रहे हो? मारो मुझे। किसी को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मारने के लिए जिगर चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। Hmm.